क्या आपको पता है एक पेंटिंग का जो बेस कलर होता है वो आपके पेंटिंग के जो फाइनल रिजल्ट है उसको कम्प्लीटली बदल सकता है। रिसेंटली किसी ने मुझे एक सवाल किया था, आपने इस पेंटिंग के लिए ग्रीन बेस कलर क्यों डाला था, वैसे रिजल्ट अच्छा आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है मैं यूजुअली पेंटिंग में एज ए बेस कलर जो 8 कलर होता है जैसे कि बर्न सेना, बर्न अम्बर और ग्रे टोन इस्तेमाल करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कभी कभी ग्रीन का भी इस्तेमाल करता हूँ। वो प्योर ग्रीन नहीं रहता है लेकिन थोड़ा सा मडी टाइप का ग्रीन रहता है, ग्रे स्क्रीन आप बोल सकते हो। लेकिन वो अप्लाई करने के बाद मेरा जो ओवरऑल रिजल्ट होता है पोर्ट्रेट पेंटिंग का वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। चलिए डिटेल में समझते हैं मैं क्यों ग्रीन कलर इस्तेमाल करता हूँ। ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है कि ग्रीन और स्किन टोन में, लेकिन एक्चुअली अगर आप ओल्ड मास्टर्स के पेंटिंग को देखोगे ना, वो लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रीनिश टोन अप्लाई करते हैं, मतलब जो फेशियल कलर है, जो स्किन टोन है उसको दिखाने के लिए। एक्चुअली ग्रीन एक स्किन टोन में बहुत ज़्यादा होता है, इसको डायरेक्टली हम लोग ग्रीन नहीं बोल सकते, इसको कूल कलर बोल सकते हैं, जो कि शेडो एरिया में या तो आपके जो लोअर पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो ये चीज़ सिर्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए नहीं, हर एक पेंटिंग के लिए होता है जहाँ पे आपको कूल कलर के साथ वार्म कलर को बैलेंस करना होता है। तो यही एक कारण है जिसके लिए मैं कभी कभी ग्रीन कलर का इस्तेमाल करता हूँ और आपको भी ट्राई करके देखना चाहिए। सो अगर आप एक डायरेक्टली व्हाइट कैनवास के ऊपर वार्म कलर के साथ पेंटिंग को स्टार्ट करते हो ना, तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्लैट दिखता है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था। लेकिन उसी कलर के अंदर अगर आपका बेस कोट ग्रीन कलर के साथ होता है या तो कोई भी कूल कलर के साथ होता है, स्पेशली जो शेडो एरिया है वहाँ पे अगर ये ग्रीन कलर आप अप्लाई करते हो ना, आपके पेंटिंग को एक वॉल्यूम ला के देता है और रियलिज्म को कैप्चर करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। सो इस पर्टिकुलर पेंटिंग में आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे एक ग्रीन कोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि कई सारी पेंटिंग्स हैं जहाँ पे मैं ग्रीन कोट से स्टार्ट किया था, जब मैं प्योर ग्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ना कि मैंने सेब ग्रीन का इस्तेमाल किया, ना ही मैंने कोई वेरिडियन ग्रीन का इस्तेमाल किया, वेरिडियन ह्यू का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे जो ग्रीन का इस्तेमाल हो रहा है मिक्स करके कर रहा हूँ। अल्टरमैन ब्लू आप ले सकते हो, कैडमियम येलो मीडियम आप ले सकते हो, येलो ओकर आप ले सकते हो, और उसके साथ हल्का सा व्हाइट मिक्स करके थोड़ा सा म्यूटेड ग्रीन हमको चाहिए, ग्रेश ग्रीन आप इसको बोल सकते हो। ये अगर मैंने बेस कोट रेडी कर लिया, उसके ऊपर मैं जो फेशियल कलर होता है, जो फेशियल स्किन टोन होता है, उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ नेक्स्ट डेज में। तो मेरा गोल ये होना चाहिए कि जो ग्रीन कलर मैं अचीव करूँगा वो थोड़ा सा अर्थी कलर होना चाहिए, राइट? ध्यान रहे ये बात कि ये कलर बहुत ज़्यादा ओपेक नहीं होना चाहिए, कि ये कलर ट्रांसपेरेंट होगा और इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ओवर पावर नहीं होना चाहिए मेन पेंटिंग के कलर से, ठीक है? तो यहाँ पे जो कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ बहुत ही लाइट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने वाटर का इस्तेमाल किया है। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसके ऊपर जो फेशियल स्किन टोन है उसको अप्लाई करना। लेकिन आप देख सकते हो मैं इसके ऊपर फेशियल स्किन टोन अप्लाई कर रहा हूँ लेयर वाइज, लेकिन जो नीचे का कलर है ग्रीन वो अभी भी ऊपर के आ रहा है जगह जगह पे, और वही मुझे चाहिए। जानबूझकर जगह जगह पे ग्रीन को छोड़ रहा हूँ ताकि ये लास्ट तक दिखे। मैं स्पेशली जो आपका शेडो एरिया है ना वहाँ पे इसको दिखाने के लिए छोड़ रहा हूँ। तो जब तक मेरा पेंटिंग खत्म हो जाएगा जो ग्रीन बेस कोट था वो जगह जगह पे दिखने लगेगा और वही चीज़ आपके पेंटिंग को एक अलग अंदाज देगा।
अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैं आई का जो एरिया है, नोज के जो शेडो के एरिया है, लिप्स के आसपास का एरिया है, जो जॉ लाइन है, ठीक है, वहाँ पे मैं इंटेंशनली ग्रीन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा कलर्स ऐड करोगे उसके ऊपर, ये कम्प्लीटली म्यूट हो जाएगा, मुझे ये नहीं चाहिए। तो यही जो एरिया है जहाँ पे कूल कलर मुझे दिखाना होता है, जो इंटेंशनली मैं इस जगह पे इस कलर को छोड़ रहा था, अभी आप रिज़ल्ट देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट स्किन टोन बन के आ रहा है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपका पेंटिंग को कम्प्लीटली एक अलग अंदाज दे देगा ये। आपने देखा कि एक ग्रीन टोन आपके पेंटिंग को एक कंप्लीट डिफरेंट रिजल्ट दे सकता है। मैंने सिर्फ इस पेंटिंग के लिए नहीं, अलग अलग पेंटिंग के लिए ग्रीन टोन का इस्तेमाल करके देखा था, और मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए, और इसको अलग अलग इंटेंसिटी के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हो। कभी ग्रीन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, कभी म्यूटेड करके कर सकते हो, या तो ग्रीन का वेरिएशन आप अलग अलग इस्तेमाल करके देख सकते हो कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है। ये कम्प्लीटली आप लोग के ऊपर होगा, आप लोग इसको कैसे एक्सपेरिमेंट करते हो ये कम्प्लीटली आप लोग के ऊपर है। सो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस पर्टिकुलर वीडियो से, और अगर कुछ नया मिला है तो ज़रूर इसको एक बार आप लोग लाइक कर सकते हो, और कमेंट्स में बता सकते हो कौन कौन ये टेक्निक ऑलरेडी अप्लाई कर रहा था और आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मन में अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर डाल के रखिए, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियोस लाने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।